हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी और सुपर क्विक एंड इजी रेसिपी। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है, स्पेशली दिवाली में तो इतने सारे काम होते हैं, जैसे कि दिवाली नहीं कामों का भंडारा लेके आई हो। और कामों के साथ हमें अपनी फैमिली के लिए टेस्टी खाना भी बनाना होता है, और टाइम की तो इतनी ज्यादा कमी होती है कि किसी भी चीज को हम घंटों नहीं बना सकते, स्पेशली दिवाली के टाइम पर। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी, जिसे आप मिनटों में बना सकते हो, वो भी घर के सामानों से और बेसिक मसालों के साथ। सो आप भी इस रेसिपी को फटाफट बनाए, फटाफट खिलाए और फटाफट अपने कामों में लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी इस अमेजिंग रेसिपी को बनाना। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर दें। सबसे पहले किसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम करेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। जीरा जब पक जाएगा फिर हम प्याज को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज लिए, जिसे बड़े टुकड़ों में काट के लिया है। और लगभग 10-11 हरी मिर्च, जिन्हें बीच से थोड़ा सा चीरा लगा दिया है, ताकि ये तेल में जाते ही फटने ना लगे। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी हरी मिर्च ये सब्जी बना रही है या मिर्च का अचार बना रही है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सब्जी ही बना रही हूँ, बस मिर्च बिल्कुल भी तीखा नहीं है। यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को मैं लगभग 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में भूनूंगी, इतना कि प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर यहाँ पर हम मसाले को ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को भी हम लगभग 1/2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे। फिर यहाँ पर मैं डालूंगी 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर, इनको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट के लिया है। टमाटर को अच्छे से मसालों के साथ मिला देंगे। यहाँ पर मैं सारा प्रोसेस हाई फ्लेम पे ही कर रही हूँ। और साथ के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप हरे मटर के दाने, यहाँ पर मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। फिर ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हींग और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सारी चीजों को हाई फ्लेम में 1/2 मिनट के लिए फ्राई करें। फिर मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई, आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई को भी हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि मलाई का फैट जो है वो बाहर आ जाए और मलाई का जो महक है वो चला जाए। फिर हम सारी चीजों को लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि मलाई धीरे धीरे से पक जाए और अपना सारा फैट रिलीज कर दे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं मलाई ने अपना सारा फैट निकाल दिया है और सब्जी कितनी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है अभी से। और आप प्याज के साथ कैप्सिकम को भी ऐड कर सकते हैं, यानी शिमला मिर्च को। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी पनीर। पनीर को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। पनीर को भी हम हल्के हाथों से पूरी सब्जी में अच्छी तरीके से मिलाएंगे, ताकि पनीर टूटे ना बिल्कुल, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी में पनीर के टूटने के जो चांस होते हैं वो 0 होते हैं, और जो सूखी सब्जी होती है वहाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फिर इसे हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है देखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट के कढ़ाई पनीर जैसी। सब्जी लगभग बनके तैयार है, फिर भी हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। देखा आपने इस सब्जी को बनाना कितना इजी है, ना हमने किसी तरह का मसाला पीसा, ना लहसुन ना अदरक, बिना किसी तामझाम के सब्जी बनके तैयार। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, सब्जी बनके तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस सब्जी का मसाले वाले पराठे के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मसाले वाले पराठे की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी, पर आप इसे पूरी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी होती है, सिंपल रोटी के साथ भी मस्त लगती है। सो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए और सबकी तारीफ पाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।